अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल सिदन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट। तो अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंग्वेज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि लैंग्वेज क्या होती है, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था कि एक लैंग्वेज जो होती है डिक्लेयर, जो लैंग्वेज होती है वो डिस्क्राइब की जाती है और उसके रूल्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, इंग्लिश की जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ही शीट वगैरह, वाज वर, हैव बीन वगैरह, ये सब चीज़ें कब आएंगी इंग्लिश में हम लोग जब यूज़ करते हैं एक असूल के मुताबिक, एक रूल के मुताबिक। लैंग्वेज क्या होती है? एक रूल के सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है विद रूल्स। ठीक, अच्छा, बहरहाल अब देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। अब देखते हैं हमारे पास ये क्या है, वॉक। इंग्लिश की लिहाज से मुझे बताइएगा कि यह क्या ये स्पेलिंग ठीक है, क्या ये लफ्ज ठीक है, वॉक। मैंने लिखा है वॉक इंग्लिश, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पैदल चलना, वॉक करना, ठीक है। इंग्लिश के लिहाज से तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये ठीक है? ये भी तो वाक्य स्पेलिंग है, लेकिन मैंने क्या गलती कर दी है, उलट पुलट कह सकते हैं, ये मैंने कर दी है। क्या ये स्पेलिंग सही है? ये गलत है। ये स्पेलिंग क्या हो गई? ये गलत है। इंग्लिश के हिसाब से ये स्पेलिंग क्या है? ठीक है, लेकिन ये स्पेलिंग इंग्लिश के हिसाब से गलत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कहाँ गए, मैं वो भी बताता हूँ आपको। जस्ट आप इन दोनों चीज़ों को समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर अब देखें, अब लैंग्वेज के हिसाब से मुझे बताइएगा कि लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मेक अ लैंग्वेज फॉर मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद के एंड एंड्स विद डब्ल्यू। अब मशीन के लिए हम लोग एक लैंग्वेज बना रहे हैं जिसके अंदर हमने रखा है कि वो के से स्टार्ट हो और डब्ल्यू पे एंड हो। के से स्टार्ट हो रही है, डब्ल्यू पे एंड हो रही है। क्या यह मशीन के लिहाज से सही है या मशीन के लिहाज से ये सही है? जी हाँ, मशीन के लिहाज से यही ठीक है, के एल ए डब्ल्यू, बीच में चाहे जो मर्जी है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि स्टार्ट में के आए, लास्ट में डब्ल्यू आए, हमारी ये चीज़ तो करेक्ट होगी। तो अभी मशीन के हिसाब से ये वाक्य होगी, ये रॉन्ग होगी। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने अब इसके अंदर देखा, पहली लैंग्वेज में देखा इंग्लिश के हिसाब से वॉक। अब वॉक और ये हमारे पास वॉक, ये वॉक जो है वो गलत है, ये वॉक जो है वो ठीक है, लेकिन मशीन के हिसाब से ये वाली वॉक गलत है, ये वाला जो लैंग्वेज है ये ठीक है। अब देखें, जो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज कौन सी होती है? सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, जावा हो गई लैंग्वेज, और पाइथन वगैरह जो भी चीज़ें मुख्तलिफ लैंग्वेज होगी, ये लैंग्वेज क्या होगी? ये फॉर्मल लैंग्वेज कहलाएंगी। क्या होंगी? फॉर्मल लैंग्वेज। अब इसके अंदर ये वाला जो मशीन के लिए हमने जो लैंग्वेज डिक्लेयर कराई थी, इस लैंग्वेज को भी हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो मशीन के लिए है। और इनफॉर्मल किसके लिए होगी? हमारे लिए। ये मशीन के लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ये मशीन के लिए क्या है? ये इनफॉर्मल है मशीन के लिए। अब मशीन के लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि ये हमारी लैंग्वेज का लफ्ज़ है हमारी। तो इसके अंदर क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं हमारी जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? पंजाबी, पंजाबी लैंग्वेज है हमारी, उर्दू लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज है, पाकिस्तान की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं जस्ट, जो सिंधी लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज क्या है? ये इनफॉर्मल है। आपको सिंपली इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, बिल्कुल जो हम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज यूज़ करें, वो हमारे लिए क्या होगी? फॉर्मल। लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या होगी? इनफॉर्मल। और जो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एचटीएमएल, जो भी लैंग्वेज हो, वो कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगी? फॉर्मल बन जाएगी। हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनफॉर्मल बन जाएगी। क्योंकि हम लोग कुछ मशीन्स के लिए, मशीन्स को सिखाते हैं ना कुछ चीज़, हम लोग ऑटोमेटिक में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि मशीन के लिए लैंग्वेज बनाए कि मशीन को कहते हैं कि ये चीज़ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है,
हमने जिस तरह अभी ये लैंग्वेज बनाई है के से स्टार्ट हो डब्ल्यू से एंड हो, अब जब भी ये मशीन जब वर्क करेगी तो ये चेक करेगी कि अगर इसके पास के आए पहले तो ये एक्सेप्ट करेगी, तो एंड पे जो जब एंड करने लगेगी तो देखेगी अगर डब्ल्यू आए तो ये एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज इसको रॉन्ग कर देगी, तो ये इनफॉर्मल बन जाएगी। मशीन के लिए ये फॉर्मल है, हमारे लिए ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ये वाली जो हमारे लिए इनफॉर्मल। तो एक हल्की सी मिसाल, एक छोटी सी मिसाल आपको मैं और देता हूँ कि हमारे पास जो हम लोग ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश उर्दू वगैरह जो भी है, चाइनीज़ वगैरह, तो वो लैंग्वेज क्या होगी हमारे लिए, वो हो जाएंगी हमारे लिए फॉर्मल, कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएंगी इनफॉर्मल। लेकिन जो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, मशीन के लिए बनाई जाए, सी प्लस जावा पाइथन वगैरह, वो कंप्यूटर के लिए क्या बन जाएंगी फॉर्मल, और हमारे हमारे लिए क्या बन जाएंगी इनफॉर्मल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छे से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जो मौसूल हों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में, 3 में बताया था कि ये अल्फ़ाबेट तो है, इससे बनने वाले स्ट्रिंग कितने होंगे, लेंथ क्या होगी, ये सारी इसके फार्मूले वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 6 में। तो आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हुआ तो अपना ख्याल रखिएगा, जो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।